ये एक और छक्का, ये लो भाई। अभी यहाँ बॉल आ गई थी, छक्का लग के और किसी को चोट लग गई यहाँ पे भाई। वहाँ पे ना जो सामने हॉस्पिटैलिटी बॉक्स है वहाँ पे टिम कुक Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. तो भाई कैसे हो आप लोग? Actually आज है दो IPL के मैच, एक तो ये चल रहा है और एक है मैच आज दिल्ली के अंदर जो कि है दिल्ली वर्सेस कोलकाता जो कि है शाम को 7:30 वाला। तो भाई फिलहाल 5:30 बज चुके हैं, मेरे को जल्दी से घर से निकलना है और मैं जा रहा हूँ आज 4 साल के बाद देखने के लिए IPL का मैच। तो भाई इसके लिए मैं हूँ बहुत ज़्यादा थ्रिल। तो चलते हैं अपने करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. ये रही मेरी टिकट दिल्ली वर्सेस कोलकाता, मेरी है हिल बी साउथ वेस्ट, तो इसमें मेरे को खाना पीना में मिल जाएगा बढ़िया। तो अभी तो देखो वहाँ पे कितनी गर्मी हो रही है, पूरी ना धूप वूप पड़ी हुई है, इसे चांद के मैंने शाम वाला मैच ही लिया। देखो 5:30 बजे भी इतनी गर्मी है। खा लो माँ की कसम, नाम नहीं लिया तो अच्छा, बुरा बोला होगा तो ना बारिश आ जाएगी आज, देख लो क्या हो गया भाई। अगर मेरे को जल्दी पहुँचना है तो गाड़ी मेरे को चलानी पड़ेगी, अंकल जी से मेरे को लेनी पड़ेगी। दे दोगे अंकल जी मेरे को गाड़ी आप? नहीं भाई हम चला रहे हैं। देख ही रहा हूँ इतने धीरे धीरे, अंकल चलाते हैं सेफली। अंकल जी बोलते हैं देर से पहुँचो लेकिन सेफ पहुँचो, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ जल्दी पहुँचे और सेफ पहुँचे, दोनों पहुँचे। अंकल मेरे से कह रहे थे इलेक्ट्रिक कार जो है बहुत ज़्यादा भागती है, तो ये बात अंकल सच है, भागती तो है लेकिन अंकल जी उनकी आवाज़ कहाँ से पैदा करोगे? आवाज़ तो नहीं है, वो भाग रही है पता लग रहा है आपको लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, वो बात है ना। तो पूरा खराब हो रहा है, पूरे दिन से बारिश ही लगी हुई थी, ये देखो कैसे भाग रही है, कोई आवाज नहीं कोई कुछ नहीं। ये एक बहुत तगड़ा शॉर्टकट है जो सीधा स्टेडियम खुलेगा, ये देखो। वैसे यहाँ पे थोड़ी मिट्टी विट्टी यहाँ पे अच्छा हो सकता है फोटो शूट अगर करना हो। जो टिकट्स है ना भाई 700,000 वाली, ये उनकी एंट्री है, पूरी भरी हुई है। यहाँ पे ये सेल कर रहे हैं टी शर्ट्स कोलकाता की दिल्ली की, 200 रुपये की टी शर्ट है, देखो ऐसे लेके घूम रहे हैं। यहाँ पे चेकिंग बहुत ज़्यादा है और फिलहाल मेरे को एंट्री तो मिल गई है, 1, 2, 5, 6 जो गेट हैं सबकी साथ साथ एंट्री है, बट मैं यहाँ से 5 में चला जाऊँगा अलग, मेरे को फूड बॉक्स मिल जाएगा मेरा। एंड गाइज आई एम हेयर, अब टॉस डिले हो गया बिकॉज बारिश हो रही है और भाई क्या सही लग रहा है स्टेडियम, एक नंबर। और ये देखो ये रहा विराट कोहली पवेलियन, मेरी ये सेटिंग है बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ से यू कैन रिडीम योर फूड। मैंने ले लिया अपना फूड यहाँ पे और दिल्ली कैपिटल देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है खाने के लिए। हो गया भाई सीन खराब, बारिश आ गई बहुत तेज थी, अब क्या करा समझ नहीं आ रहा, 4 साल के बाद आया हूँ और बारिश आ गई, अंकल जी ने बोल रहे थे कि बारिश आ जाएगी यार बहुत तेज। जो ये पूरी सीटिंग है ये पूरी VIP एरिया है और एक ये है इसके बाद, लेकिन ये सिर्फ वो है मतलब इसको यू कांट परचेज, जिसको भी चाहिए वो सिर्फ इन्विटेशन से आ सकते हैं और बाकी सबको सब लोग वो नॉर्मल टिकट्स हैं सारी। पहले में शायद लास्ट टाइम मैं वहाँ बैठता था, ये मिला है भाई फूड बॉक्स में चिप्स, फिर यहाँ पर ये बन, फिर ये वो चीज शॉर्ट्स है मिरिंडा, ये मिलता है भाई आपको VIP एरिया में आने के बाद। जो हमारे टिकट है ना भाई वो 800 रुपये 1000 रुपये के टिकट है, उसमें कुछ भी नहीं मिलता लेकिन इसमें ये है देखना, इतना भी होता ना फ़ोन आज मज़े आ जाते, उनके फ़ोन से जूम करते हैं 23 अल्ट्रा से, ये देखो अब लोग आने शुरू हो गए। मैं यहाँ बैठ गया, पता है कि उन्हीं से जाऊँगा ना तो फिर वो दिखेगा यार। फाइनली भाई मैच शुरू हो गया, फाइनली दिल्ली एक्चुअली बॉल कर रहा है आज, दिल्ली टॉस जीता था वो आगे हो गया था कि बैट्समैन भी, एंड फाइनली 1 घंटे के बाद मैच शुरू हो रहा है। अभी यहाँ बॉल आ गई थी छक्का लग के और किसी को चोट लग गई यहाँ पे, यार ये क्या हो रहा है बार बार मेरे को समझ नहीं आ रहा ये क्या है। अगली बार जब मैं आऊँगा ना तो पंकज भाई के साथ ही आऊँगा, और जो टिकट है ना 7 वाली सुपर हॉस्पिटल की उसमें जाएंगे हम, जो इससे भी ऊपर वाली टिकट है भाई। अब तो जल्दी खत्म होने वाला है मैच, 97/9 तो हो ही गया, 98/9 16 ओवर में, अभी तक 100 रन भी नहीं बने यार। तो अभी ना 3 लोग आए मेरे पास में और मुझे बोलने लग गए उसके बाद में कि यार यहाँ पर बैठ गए थे आके, तो मुझे कह रहे कि क्यों आए हो आप, तो मैंने बोला कि भाई मैं तो मैच देखने आया हूँ, कह रहे हम तो पैसा लगाने के लिए आए हैं, तो मैंने बोला ठीक है भाई ओके जाओ, चिपक ही गए। उसके बाद में मतलब भाई हेटर ना हर जगह मिल जाते हैं, वही बात है कि अगर 10 प्यार करने वाले हैं तो उनमें से 2 तो हेटर मिलते ही मिलते हैं,
तो उन्होंने पूरा मूड खराब कर दिया मेरा अभी भाई। वहाँ पे ना जो सामने हॉस्पिटैलिटी बॉक्स है वहाँ पे टिम कुक और सोनम कपूर दोनों वहीं पे ही हैं। एप्पल के जो सीईओ है ना टिम कुक वहीं पर है। लास्ट ओवर में भाई इतने छक्के लग रहे हैं बिकॉज बैटिंग पे है एंड्रू रसेल। और ये देखना ये एक और छक्का, ये लो भाई 18 रन आ गए भाई अभी तक 3 बॉलों पे। ये भाई स्पेशल लाइट शो है जो ब्रेक में होता है। क्या सही है यार। अरे भाई भाई सेकेंड जो इनिंग्स है ना वो भी स्टार्ट हो गई हैं और भाई जस्ट अभी मैं निकल जाऊँगा एक घंटे में बिकॉज इतना पूरा मैच खत्म हो जाएगा ना तब तो पूरी सारी भीड़ निकलेगी फिर के बाहर तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। हम पहले निकल लूँगा थोड़ा पहले लेकिन अभी जो लड़ाई हुई ना भाई वो मेरे को थोड़ी अजीब लगी यार कि बंदे खुद ही आए लड़ने लगे एकदम से। जहाँ भी जाता हूँ ना ऐसा कभी ना कभी होता ही होता है इसलिए मैं अकेला जाना बड़ा पसंद नहीं है। जो समझदार लोग हैं ना सारे निकल रहे हैं बिकॉज फिर ना जाम हो जाएगा बहुत ज़्यादा वाला। सबसे बेस्ट यही था मेरी बात हुई जिस पंकज भी ऐसे भी मैच देख रहे थे और मैंने बोला जो 6 मई को है ना RCB वाला मैच उसमें साथ जाएंगे तो हमारा ठीक है भैया वो क्रिकेट आ जाएंगे ना तो इस बार हम जाएंगे जो है ना बिल्कुल बिल्कुल VIP वाला जो एंट्री 23,000 वाली है उसमें जाएंगे बिकॉज यार यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं कि आपने देखा ही मतलब क्या मैंने दिखाया वीडियो में आपको बाकी दिल्ली जीत गई आज फाइनली। अभी मैं गाड़ी में आ गया अंकल से मैंने थोड़ा डिस्कस करा कि अंकल जी बड़ा अच्छा लगा मैच देख के गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन अंकल जी वही बात है आज का मौसम बहुत अच्छा है। हाँ लेकिन बड़ा मैच 1 घंटा डिले हो गया भाई। तभी अभी हम जा रहे हैं जामा मस्जिद जहाँ पे बिल्कुल बढ़िया खाना मिलता है और वहाँ जा करके हम अंकल जी वेज खाएंगे। बात ये है तो जितने भी है ना चिराग भैया अनस भैया सारे बोलते हैं भाई तू वहाँ जा करके वेज खाता है मतलब क्यों तू जाता क्यों है वहाँ पे। तो वैसे मेरा मन कर रहा था अभी लेकिन भाई अंकल जी को बताया मैंने हेटर के बारे में। अंकल जी अगर आपको वो बोलते कि हम ये कर रहे हैं आप क्या जवाब देते उनको? मुझे पता है अंकल जी का कि अगर कोई ऐसे बात कर लिया तो अंकल से या मेरे से चिराग भाई से भी ऐसे जवाब देते हैं बिकॉज देने बनते हैं भाई। और ऐसे लोगों को अगर मुंह पे जवाब नहीं दोगे ना आप तो सर पे चढ़ेंगे बाद में चढ़ने नहीं दूंगा किसी को भी। आ चुके हैं भाई जामा मस्जिद यहाँ पे कुछ ना कुछ खाएंगे अलजो आहार तो जाएंगे पहले जाएंगे शरबत पीने। ये फेमस शॉप है भाई चिकन की यही बनाती है अंकल जी ये पूरा चिकन फ्राइड है यहाँ पे। ये पूरा मेन्यू में वेज है देख रहे हो 5 आइटम वेज की और ये चिकन की इतनी सारी। ये फेमस है यहाँ का शाही टुकड़ा और अंकल जी और मैं यही खा रहे हैं खाना खा कर आए हैं जस्ट अल्दो आर पे और इसके बाद में ये तो बनता ही था स्वीट डिश। यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी हैं और आज खाना भी खा लिया बढ़िया। टाइम हो चुका भाई अभी 12:50। जैसा काम करा मैंने किया पहले निकल लिया भाई बहुत दिक्कत हो जाती इतना भीड़ हो गई थी ना वहाँ पे मैच के बाद में जो मैच है वो दी थी दिल्ली फिलहाल।